शक्ति पीठों के नाम से विख्यात जिला कांगड़ा में जहां अनेक मां भवानी के प्राचीन मंदिर एवं शिवालय विद्यमान हैं, वहीं पर पालमपुर जयसिंहपुर सड़क पर खैरा गांव में माता सती सुनियारी का मंदिर असंख्य लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार माता सुनियारी सन 1772 में इस स्थान पर अपने पति सुनियार के साथ चिता में जलकर सती हुई थी। ये दंपति खैरा के साथ गांव सुनियार खोला में रहते थे, जो आज भी इसी नाम से प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्ष 1772 में जब उनके पति का देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इस स्थान पर लाया गया, जहां आज माता सुनियारी की देहरी विद्यमान है। माता सुनियारी निसंतान थी और जब वो अपने पति को गोद में लेकर सती होने के लिए चिता पर बैठ गई तो चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं था। माता सुनियारी ने चिता पर बैठकर कहा कि जो पुरुष उनके स्वर्गीय पति की चिता को मुख्य अग्नि देगा, वो उसे मनचाहा वरदान देंगी। माता की बात सुनकर खैरा के मियां जयमल सिंह कटोच, जो कि स्वयं भी निसंतान थे, उन्होंने मुख्य अग्नि देना स्वीकार कर लिया। जैसे ही मियां जयमल सिंह कटोच ने चिता को अग्नि दी तो माता सुनियारी ने उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री पैदा होने का वरदान दिया। माता सुनियारी ने मियां जयमल सिंह कटोच से आग्रह किया कि वो इसी दिन ज्येष्ठ माह के नौवे परविष्टे अगले वर्ष इस स्थान पर छिंज मेले का आयोजन अवश्य करें। माता सुनियारी के वरदान से अगले वर्ष मियां जयमल सिंह कटोच को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ माँ सुनियारी का पहला छिंज मेला साल 1773 के ज्येष्ठ माह के नौवे प्रविष्ट को आयोजित किया और ये सिलसिला आज भी जारी है।